एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, आदि कैलाश एंड ओम पर्वत भैया दोनों पांच है, ठीक है, आदि कैलाश भी पांच है, ओम पर्वत भी पांच है, ओम पर्वत, ठीक है। सो फाइनली पहुंच चुके भैया ओम पर्वत। देखो सामने मुझे दिखाई दे रहा है माउंटेन, ये आपको ओम पर्वत है, बट भाई पूरा बादल कर रखा है, उसका दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ओम पर्वत है पांच, ठीक है, पांच ओम पर्वत है, पांच आदि कैलाश है, पांच केदार भी है, ठीक है। तो ओम पर्वत हिमालय पर्वत में पांच है, ठीक है, जो आपको एक ही दिख पाया है। बिल्कुल ऐसे जाना है, ऐसे मॉर्निंग फ्रॉम गुंजी। तो अपन कहाँ है भाई, अपन गुंजी में, देखो लिखा भी है आई लव गुंजी। तो अपन जा कहाँ रहे हैं, अपन जा रहे हैं ओम पर्वत। अभी गुंजी से दो रास्ता कटे हुए, एक गया आपको आदि क्लास गया हुआ, एक गया हुआ ओम पर्वत। तो अपन जा रहे हैं अभी ओम पर्वत, ओम पर्वत करते हैं कवर, देन डिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ सोना है, क्या करना है, देन नेक्स्ट डे जाएंगे हम आदि कैलाश पर्वत। तो गुंजी का देखो ये पूरा आपको टाउन हो गया, गुंजी का हो गया, वहां पर टाउन गुंजी का, ये 200 मतलब आपको 500 मीटर का एरिया है, उसमें सारा सिटी बसा हुआ, गुंजी बसा हुआ। यहाँ पर देखो एंट्री पॉइंट है गुंजी का, ये मेन जो है आपको क्या एंट्री पॉइंट। होटल वगैरह नहीं मिलते हैं तो आप नाइट कैंप कर सकते हो नियर बाई होटल, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कस्बा यहाँ पर है, गाँव है, तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ लिखा भी है आई लव गुंजी। तो एक चीज बता रहा, ठीक है, आदि कैलाश एंड ओम पर्वत भैया दोनों पांच है, ठीक है, आदि कैलाश भी पांच है, ओम पर्वत भी पांच है, ओम पर्वत, ठीक है। तो अपन बस हिमालय में, हिमालय के अंदर ही आता है, तो हिमालय में बस एक ही दिखा है ओम पर्वत, जो हमारे उत्तराखंड में है, तो अपन वही चल रहे हैं, उसका करते हैं एक्सप्लोर। और पहाड़ के आधार पर ओम साई लिखा हुआ है, ओम वेदर साफ किया हुआ है। तो यहाँ से 18 किलोमीटर है, गुंजी से 18 किलोमीटर है, ये टाइम लगने वाला है, एक से दो घंटे टाइम लगने वाला है, रोड का हालत बहुत खराब भाई, इसमें जाने में टाइम लगने वाला है। तो अपन चलते फटाफट ओम पर्वत, वहाँ करते हैं एक्सप्लोर कैसा होता है वेदर। तो अपन निकल रहे भैया ओम पर्वत के लिए, अपन गुंजी गांव से जा रहे हैं। देखो एक्चुअली मैप डाउनलोड किया नहीं है मैंने, यहाँ रोड है नहीं, तो रोड मैप में दिखा नहीं रहा है। तो अपन ने पूरा मामला खुद से सेट कर दिया है, कैसे कैसे जाना है गुंजी होते हुए ओम पर्वत। तो यही रोड आपको गया हुआ है ओम पर्वत। देखो बता रहा हूँ ओम पर्वत पारे में बता रहा हूँ, ओम पर्वत पाँच है, ठीक है, जो पूरे हिमालय में पाँच पर्वत है ओम पर्वत, आदि कलासी पाँच है भाई, ठीक है, बट एक ओम पर्वत जो है आपको दिखा है हमें, ठीक है, हमें नहीं दिखा, यहाँ पर आदि हिमालय पर्वत एक ही दिखा है, और चार नहीं दिखे, चार किसी को आज तक नहीं दिखा है, लेकिन चार चार भी हैं, चार कहाँ पे किसी को पता नहीं है। तो एक ओम पर्वत दिखा तो वही दिखने जा रहे हैं हम, ओम पहाड़ पर ओम का आकार लिखा हुआ है, उसी को बोलते हैं ओम पर्वत, भोले बाबा का दरबार है, तो अपन वहाँ चलते हैं देख लेते हैं। ऐसे भी हिंदू धर्म का वो सिंबल है ओम। तो अपन चलते हैं भैया फटाफट ओम पर्वत, नज़ारा औसम भाई, ये आपको गुंजी है पूरा, ये पूरा मार्केट आपको हो गया गुंजी हो गया उस साइड का। देखते हैं अगर नाइट कैंप मिल गया, अगर होम स्टे मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं एडजस्ट कर लेंगे अपन, अपने को इतना कोई दिक्कत नहीं है। पूछते पूछते जाते हैं, देखो कहीं मिल जाता तो अच्छी बात है। भाई साहब इसको पार करना है, बैठ जा जल्दी बैठ जा, हम टाइट का बैठा भीड़, हम हिलना मत खाली, बिल्कुल ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे तभी पानी से घुस गया है। ये प्रो उतर उतर दो, हाँ पीछे था ना, अरे अंदर घुस गया माल, ये
फिर इसको गाड़ दो। जूता गया भाई और कुछ नहीं गया। अगर लक अच्छा रहा भाई तो अपना व्यू दिख जाएगा मुझे ओम पर्वत का। बंदे ने बताया कि 18 किलोमीटर है, जाने में लग जाएंगे 1 घंटे। अभी आपको 2 बज रहा है तो हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे लगभग। देखो देखो कहाँ होता है स्टे, भोले बाबा आए दरबार में, कहीं ना कहीं रहने का भी मिल ही जाएगा। उनने बुलाया है तो रहने का भी दे ही देंगे, आपको टेंशन नहीं है। ये आपका पूरा बॉर्डर लाइन एरिया है, इस साइड पूरा नेपाल है। ये बाउंड्री लाइन दिया ना, बाउंड्री लाइन इस साइड पूरा नेपाल है। ये अभी पानी नहीं हुआ है तो भाई अच्छा, रोड भी अच्छा है, मीन्स रोड खराब ही है पूरा, बट पानी नहीं हुआ। अगर पानी होता है तो पूरा हो जाएगा, चिपचिप हो जाएगा, ये फिर चलना हो जाता है मुश्किल। बट अभी पानी नहीं हुआ है तो भाई रोड अच्छा ही मान के चलते हैं, तो खराब नहीं बोल सकते हैं। कि आपको पूरा पड़ता है बॉर्डर एरिया, तो हाँ रोड काम है, आर्मी का नाम से अच्छा ही रोड है भाई। अल्टो भी चल रही है, अल्टो तो हर जगह पहुँच जाती है, मानना पड़ेगा अल्टो को। जहाँ कोई कार नहीं पहुँच पाती वहाँ पर अल्टो पहुँच जाती है भाई। रास्ता तो बड़ा खतरनाक है बट ऑसम भी है, रास्ता देखा जाए तो ऑसम भी है। तो एक दो जगह मुझे मिला भी वाटर क्रॉसिंग, बट अपने पार कर गए उसको, पीछे में ही था वो, पार हो चुके हैं। बट रास्ता देख रहे हो पूरा का पूरा आपको ऑफ्रोडेड है। कहाँ से पड़ता है, गुंजी से पड़ता है आपको 18 किलोमीटर। देख लो पहाड़ भाई, मौसम का बहुत काले काले हो गए हैं, मतलब देखो क्या होता है फिर। ऐसे तो भोले बाबा कृपा रहते हैं मेरे ऊपर, दिखाई दे ही जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है ओम पर्वत, ओम पर्वत व्यू पॉइंट आ चुका है। अब नज़ारा ऑसम भाई, मे भी जहाँ पर ओम पर्वत वहीं पर काले बादल हैं। टेम्परेचर भाई 13 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी जरगा। अपन पहुंचने वाले हैं भैया ओम पर्वत व्यू पॉइंट, बट जहां पर ओम पर्वत है वहीं पर काले काले बादल हैं। सो फाइनली पहुंच गए भैया ओम पर्वत। देखो सामने मुझे दिखाई दे रहा है माउंटेन, आपको ओम पर्वत है बट भाई पूरा बादल कर रखा है, उसका दिखाई नहीं दे रहा है। बट सामने ये ओम पर्वत है, ये आपको हो गया व्यू पॉइंट हो गया। बट अपन ऊपर आ चुके हैं देखने के लिए कि भाई अच्छा दिख दिखे, पूरा हो गया आपको आर्मी कैंप। तो ये हो गया आपको ओम पर्वत, आपको कुछ बताया था प्रवचन था। देखो ओम पर्वत है पांच, ठीक है, पांच ओम पर्वत है, पांच आदि कैलाश है, पांच केदार भी है, ठीक है। तो ओम पर्वत हिमालय पर्वत में पांच है, ठीक है, जो आपको एक ही दिख पाया है। और कहा दिखता है, वो उत्तराखंड में एकदम सामने को सामने वही है, वही आपको ओम पर्वत है। यहाँ का हिस्ट्री यही है कि माउंटेन के ऊपर ओम का आकार का ओम बना हुआ है, जो भोले बाबा का सिंबल है, जो हिंदू धर्म का सिंबल सिंबल बोल सकते हैं उसको। जो कितने माउंटेन है हिमालय पर्वत के अंदर, पांच ओम पर्वत है, जो एक यहाँ दिखा है और चार दिखे नहीं, भी चार का खोज जारी है, चार दिखा नहीं, बट एक यहाँ दिख गया है। अब आदि कैलाश है जो पांच है, वो तो सारे दिखते हैं, बट ये आपको हो गया ओम पर्वत एक ही दिखा है। सामने में ओम पर्वत है, जैसे हटता पड़ा आपको दिखाता हूँ क्यों। बाकी नजारा ऑसम भाई, पूरा माउंटेन 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 है, ये आपको हो गया ओम। अपन वेट कर रहे हैं भाई कि नीचे हमें ओम, देखो वो ओम का सिंबल दिख रहा है, हल्का सा नीचे का भाग दिख रहा है, इतने घने बादल हैं कि भाई दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत मुश्किल दिखाई देता है। 10 दिन में एक दो बार दिखाई देता है ये, ऐसा यहाँ के लोग लोकल बोल रहे हैं। देखो बादल है, बादल कितने घने हैं। सो अब निकलते हैं यहाँ से, जाएंगे होटल, आपको देंगे अपडेट, देखते हैं होटल ढूंढते हैं क्या होता होटल का सीन। जब भी आते हो ओम पर्वत ट्राई करो करो कि अब अर्ली मॉर्निंग में आओ, मॉर्निंग में आओगे यहाँ पर टाइम तो 2-3 घंटे टाइम जैसे क्या होगा,
आपका लक अच्छा रहा तो दिखेगा ओम पर्वत, लक अच्छा नहीं रहा तो फोटो में देखकर काम निकालना। ऐसे आदि कला दिख जाएगा आपको, वो तो साफ दिखाई देता है, बट जो ओम पर्वत है बहुत कमी लोग को दिखता है, 100 में से 2-3 लोग कहीं दिखता है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि 10 दिन में एक दो बार दिखाई देता है ओम पर्वत। ये जो बादल है ना देखो, ये पूरा पहाड़ पूरा पैक इस एरिया में, इसी कारण दिखाई नहीं देता। ये तो लक अच्छा रहा भैया तो दिख जाएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो भोले बाबा का नाम लेना है, चुपचाप यहाँ से निकल लेना है और कुछ नहीं करना है। अपना कभी यही तुम्हारा राय, बाकी क्या आपका ओपिनियन है आप कमेंट बताओ। हाँ कैसे बनता है पास, उसका मैंने वीडियो बना चुका, पहले ही बना चुका अपन, कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अभी का अपडेट है भाई, अपन पहुंच चुके हैं गुंजी। गुंजी में हमने रूम ले लिया है, पर बेड लगा है 500 रुपये, खाना अलग से। अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना का लगेगा 300, तो मैं दाल चावल भुंजिया और सब कुछ रहेंगे। अगर खाने के साथ लोगे तो उसका है भाई 1000, 1500, 1200 जैसा बेड वैसा होगा। तो अपन सस्ता लिए, मीडियम लिए, जहाँ आप 6 लोग रुके हुए हैं, पर हेड लगा 500 रुपये, हम 2 बंदे हैं तो हमें लगा 1000, तो खाना अलग से 300 रुपये। तो बोलो 16 हम लोग का पूरा हो गया फाइनल। ये होटल हमारा होटल, वहाँ पर देखो दिखाता आपको ना, ये हमारा होटल हो गया, देखो वहाँ पर दिखाई दे रहा ना, ये हमारा होटल है वाला, वो दिख रहा है, वो गाड़ी जाने के बीच वो होटल है। बस रूम बड़ा मस्त लिया। सो हमारा होटल हो गया। सो बताओ गाइस ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में नए जगह के साथ। कल अपन जा रहे हैं आधी क्लास घूमने, कल मॉर्निंग में निकल चलेंगे ऐसे 5 भोर में। कल अपने को ट्रैक करना भैया आधी क्लास ट्रैक करना है, पार्वती सोर ट्रैक करना है, गौरीकुंड ट्रैक करना है, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। हाँ इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में नए जगह के साथ, तो बाय बाय।